गोरखनाथ मंदिर से धर्मशाला जाने वाली रोड पर लबे सड़क पूरब की ओर झूलेलाल का मंदिर है। सड़क के दोनों ओर सिंधी समाज के लोगों की आबादी है। ये सभी लोग विभाजन के समय यहाँ आए और अपनी मेहनत के बूते पर खास मुकाम बनाया। ईंट भट्टों और बेकरी के कारोबार में तो इस समुदाय का तकरीबन एकाधिकार है। इस समुदाय का यही एकमात्र मंदिर है। मोहद्दीपुर जंगल कौड़िया फोरलेन के निर्माण की जद में आने से यह मंदिर भी टूटेगा। शनिवार को सिंधी समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल को उन्होंने भरोसा दिया कि वह झूलेलाल मंदिर के लिए पास में ही मंदिर निर्माण के लिए समाज को जमीन देंगे। समाज के लोग डीएम और नगर आयुक्त को इस बाबत अपना मांग पत्र देंगे। उम्मीद है कि गोरखनाथ प्राथमिक विद्यालय के निकट नगर निगम की 3500 वर्ग फीट जमीन मंदिर के लिए आवंटित की जाएगी। पीठ और सिंधी समाज का नाता 3 पीढ़ियों से है। मालूम हो कि सिंधी समाज को गोरख पीठ में से पुराना रिश्ता है। बंटवारे के बाद अपना सब कुछ गंवाकर यहां आने वाले समाज के लोगों ने तब के गोरख पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ को 1951 में झूलेलाल महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उस समय अपने संबोधन में उन्होंने समाज के लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप लोग शरणार्थी नहीं विजेता हैं, जालिमों से संघर्ष कर यहां तक आने वाला विजेता ही होता है। आज से आपकी कॉलोनी का नाम विजयनगर रहेगा। गोरखपीठ से तब से शुरू अपनत्व के रिश्ता 3 पीढ़ियों से कायम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उदारता से इस रिश्ते का एक नया आयाम मिल गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए झूलेलाल मंदिर के पुजारी सुखदेव जी ने कहा, सुखदेव एलानी है। झूलेलाल मंदिर ये गोरखपुर में करीब करीब 40-50 साल पहले का मंदिर बना हुआ है। इसमें सब धर्मों के लोग की आस्था है। हम लोग बच्चे से हम 65 साल के हो गए, 40 साल 50 साल से हम इसमें यहाँ सेवा करते आ रहे हैं और हर आदमी की यहाँ आस्था जुड़ी हुई है। और हम लोग का ये मंदिर टूट रहा है, महाराज जी बोले हैं हम लोग आपको जगह देंगे, लेकिन अभी निर्धारण नहीं हुआ है कहाँ जगह मिलेगी। यहाँ 40 दिन अखंड ज्योत जलती है और झूलेलाल जी का 40वां मनाया जाता है। और चैत में जब झूलेलाल का जन्मदिन होता है उसको ही मनाया जाता है, चैत नवमी के पहले दिन। हम हर धर्म के लोग, कम से कम हम लोग जितनी सिंधी कम्युनिटी है, सिंधी परिवार हैं, सबकी आस्था जुड़ी हुई है। हम चौथी पीढ़ी, हम लोग तीसरी पीढ़ी हैं इसमें। हम लोग को बुजुर्ग स्थापित करके गए, तब से हम लोग इसमें लगे हुए हैं।